हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। अगर आपके पास अभी तक पुराना कागज़ वाला वोटर आईडी कार्ड है या आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, ख़राब हो गया है, तो आप नया प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2022 में मोबाइल से PVC वोटर आईडी कार्ड ऑर्डर करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। एक नया वोटर आईडी कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले हम वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 001 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपका वोटर कार्ड का नंबर अगर आप लोग जानते हैं तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं जानते हैं तो नो पे क्लिक करें। तो हमें अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर पता है तो यस पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर इंटर करें। इंटर करने के बाद आप फेच डिटेल्स पर क्लिक करें। फेच डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेशन पहले जो था वो टोटल डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट एरिया, लोकेशन, एड्रेस, विलेज, टाउन, सिटी, पुलिस स्टेशन और पिन कोड डाल के नेक्स्ट करना है। दोस्तों, आपका इसी एड्रेस पे आपका न्यू वोटर आईडी कार्ड आपको बाई पोस्ट किया जाएगा। सो पिन कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको रीज़न ऑफ रिप्लेसमेंट आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा रीज़न से आप अपना वोटर आईडी कार्ड रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो आप इसमें कोई भी रीज़न दे सकते हैं, जैसे कि मैं लॉस्ट, मेरा वोटर आईडी कार्ड खो गया है, मैं वो ऑप्शन में टाइप करके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थ्री ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड किसके द्वारा लेना चाहते हैं। आप CSE सेंटर के द्वारा आप अपना लेना चाहते हैं, या बाई पोस्ट लेना चाहते हैं, या BLO ऑफिस जाकर अपना कार्ड कलेक्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बाई पोस्ट अपना एड्रेस पे चाहता हूँ, इसीलिए मैं सेकंड ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अपना एड्रेस पे किसके नाम से और कौन सा एड्रेस पे अपना वोटर आईडी कार्ड मंगवाना चाहते हैं, लास्ट नेम ऑफ द एप्लीकेंट और प्लेस देकर डन करेंगे। डन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से चेक कर लें। चेक करने के बाद कंफर्म बटन पे प्रेस करें। कंफर्म बटन प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ है। ये रेफरेंस आईडी को आप ट्रैक कर सकते, आप खुद से ट्रैक वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किए हैं, मैं ट्रैक करके आपको दिखाता हूँ। ट्रैक करने के लिए आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आप अपना रेफरेंस आईडी फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका फॉर्म इस टाइप का खुल जाएगा, जिसमें आपका फॉर्म सबमिटेड दिखा रहा है डेट के साथ। इसके बाद BLO अपॉइंटमेंट, इसके बाद फील्ड वेरीफाइड, इसके बाद एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड होने के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड आपका घर बाय पोस्ट कर दिया जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।